दोस्तों, हमारे भारत को आस्था और विश्वास का देश कहा जाता है। यहाँ मंदिर और तीर्थ स्थानों की कोई कमी नहीं है, तभी तो यहाँ आपको लगभग हर इलाके में कोई ना कोई मंदिर देखने को जरूर मिल जाएगा, जिनमें से कुछ मंदिर तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक और रहस्यमयी है। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इन मंदिरों को भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे खास मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रहस्य आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा और इन मंदिरों की सच्चाई सुनकर आप सोचने समझने की हालत में नहीं रहेंगे। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम उस मंदिर के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे राक्षसों ने बनवाया है। जी हाँ, महादेव का यह मंदिर महाराष्ट्र के छोटे से जिले गढ़चिरौली में मौजूद है। वैनगंगा नदी के किनारे बना ये मंदिर बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। सावन के महीनों में महादेव के इस मंदिर में रोजाना लाखों लोगों की भीड़ लगती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसकी बाहर की दीवारों का वास्तुशिल्प महादेव के अन्य मंदिरों से काफी ज्यादा अलग है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि महादेव को समर्पित इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर कई सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो मैथुन करती हुई नजर आती हैं, जो कि इस मंदिर को और भी ज्यादा रोचक बनाती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर को राक्षसों ने बनाया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस पूरे मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर। अब बात करते हैं सूर्य देवता को समर्पित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था। ये मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। रथ के आकार में बने इस मंदिर में पत्थर के 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं जो कि वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े भी हैं जिनको सप्ताह के 7 दिन का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो इसकी दीवारों पर आपको खजुराहो के मंदिर की तरह कलाकृतियों की झलक देखने को मिल जाएगी। इस अद्भुत मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से आप सीधा सूर्यदेव के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से उगते हुए और ढलते हुए सूरज को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का नजारा सच में जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य की लालिमा पूरे मंदिर में चमक रही है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दोस्तों, भारत के सबसे अनोखे मंदिर की बात हो और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इस मंदिर की गिनती भगवान हनुमान के 10 शक्तिपीठों में होती है। कहते हैं कि इस मंदिर में हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजमान है। इस मंदिर में आपको ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो शायद ही कहीं आपको और दिखें। यहाँ पर कई सारे लोग अपने भूत प्रेत की बीमारी को ठीक करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वे इस मंदिर के अंदर कदम रखते ही बेकाबू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मंदिर के अंदर कई सारे लोग बेकाबू होकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कोई चिल्लाता है तो कोई खुद को चोट पहुँचाता है और कई लोग तो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएंगी। और जैसे ही वो भगवान बालाजी के दर्शन करते हैं और उनका प्रसाद खाते हैं, उनके अंदर से नकारात्मक चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए पूरे भारत से लोग राजस्थान के बालाजी मंदिर में प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो यहाँ एक खास बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अन्य मंदिरों में तो लोग बड़े चाव से प्रसाद खाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ मिलने वाले प्रसाद को आप अपने घर पर भी नहीं ले जा सकते। कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ मिलने वाली कोई चीज अपने घर ले जाता है तो मंदिर से निकलने वाली भूत प्रेत और आत्माएं प्रसाद के जरिए उनके ऊपर आ जाती हैं। जगरामेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, ये भी भगवान शिव का एक बहुत ही अनोखा मंदिर है, क्योंकि दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर निजामगढ़ में स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर बड़ और पीपल के पेड़ पर बना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर आज का नहीं बल्कि 300 साल पुराना है। भगवान शिव पर आस्था रखने वाले लोग यहाँ अक्सर पूजा पाठ करने आते हैं और इस छोटे से मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, लेकिन शिवरात्रि और सावन के महीने में मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस मंदिर के बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा चर्चित है, यहाँ जो कोई भी मनोकामना मांगी जाती है भगवान शिव उसे जरूर पूरा करते हैं। केरल केतु मंदिर। केरल की कावेरी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर कीजा पेरुम पल्लम गांव में बना हुआ है।
इस मंदिर को नागनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस मंदिर के देवता भगवान शिव हैं। हालांकि भगवान शिव के अलावा यहाँ पर राहु और केतु की प्रतिमा भी स्थापित है। ये मंदिर कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर अगर आप गाय का दूध चढ़ाया जाए तो उसके दूध का रंग नीला हो जाता है, जिसकी वजह से इस मंदिर में केतु ग्रह की शांति और कुंडली के काल सर्प दोष होने पर विशेष पूजा करी जाती है। इस वजह से देश के कोने कोने से लोग इस मंदिर में आकर अपने ऊपर लगे ग्रह दोष को मुक्त कराते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बोलाई गांव में स्थित सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर एक बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है, जो कि करीब 300 साल पुराना है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में एक साथ गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमा होना जितना ही ज्यादा अजीब है उतना ही ज्यादा शुभ है। तभी तो यहां आने वाले सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहां पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत पहले ही मिल जाते हैं और उन्हीं संकेतों के आधार पर मंदिर के पुजारी भविष्यवाणियां करते हैं जो सच साबित होती हैं। इसलिए एक ना एक बार इस अनोखे मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाइएगा। पद्मनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर के बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा। केरल में मौजूद ये मंदिर बहुत ही ज्यादा खास है। भगवान विष्णु का ये मंदिर अपनी वास्तुशिल्प शैली का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे धनी मंदिर है। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। ये विष्णु के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं। माना जाता है कि उन्होंने मंदिर के तहखाने में खजाना छुपा रखा था, तभी तो इस मंदिर के 6 तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले जा चुके हैं, जिसमें से भारी मात्रा में सोने चांदी और हीरे जवाहरात मिले, जिनकी कीमत अरबों में है। कहते हैं कि इस मंदिर के 7वें तहखाने के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करी गई, लेकिन दरवाजे पर बने बड़े सांपों के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई पंडितों का कहना है कि 7वें दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे खास मंदिर और उनकी सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।